कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है। तोता दूसरे की सिखाई हुई भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर कैद रहता है। अपनी भाषा और अपने ऊपर अपने विचारों पर विश्वास करें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल H2RB में। साथियों, आज का जो विशेष प्रोग्राम है वो मकर राशि वालों के लिए विशेष खास होने वाला है। विशेष खास इसलिए साथियों कि ये कोई मासिक मंथली राशिफल नहीं है, बल्कि आपके करियर के हिसाब से है। आपका करियर कौन से फील्ड में बनेगा, आपका लक कैसे रहेगा, बेस्ट रेमेडीज आपको बताऊंगा कि आपको जो है क्या उपाय करना चाहिए। दूसरा, आपको जो है साथियों आपके नेचर के बारे में बताऊंगा कि आपका नेचर किस तरीके का है। आपके 5 सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप जो है जिनसे पहचाने जाते हैं। दूसरा, आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगा कि आपका रिलेशनशिप कैसे रहता है। राशि चक्र में आपकी जो कुंडली है और उसमें जो राशि है आपकी मकर राशि, वो 12 राशि में से 10वें नंबर की राशि है। और आपका जो राशि का साइन है वो क्या है, मकर, यानी हिरण, और साथ में जो है मगरमच्छ, यानी इनकी प्रतिकृति। और आपकी जो राशि है वो पृथ्वी तत्व राशि है। तो ये आपके लिए किस तरीके से क्या करेगी और आपका फील्ड कौन सा रहेगा। साथियों, ये जो प्रोग्राम है चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस मुझे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग गरीब हैं, बीमार हैं और रुग्ण हैं और विद्यार्थी हैं, वो हर मंगलवार को जो है 10 बजे से 12 बजे तक अपने बारे में फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपके नेचर के बारे में, कैसे होते हैं मकर राशि के लोग, सबसे बड़ी बात तो इनके अंदर दया कूट कूट कर भरी हुई होती है। ये दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, भले ही ये दिखाते नहीं हैं। इनके अंदर जो दया होती है, दिखावा ये बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जो है अंदर से दयाशील होते हैं, दया भी करते हैं लेकिन दिखावा कभी नहीं करते हैं। ये लोग जो है साथियों, ये अपने बारे में बहुत ज्यादा मननशील होते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, मन के अंदर जो है बहुत सारे ख्यालात इनके चलते हैं, बहुत सारे ये जो है मन के अंदर सीढ़ियां बनाते हैं, बहुत सारे डिजायर्स इनके चलते रहते हैं। और दूसरी चीज, ये आलस्य बहुत जल्दी कर लेते हैं। और दूसरा जो है, ये आलस्य ना करें तो ये बहुत आगे पहुंच सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, आलस्य के धनी होते हैं। आलस्य जल्दी कर लेते हैं, अब नहीं करना है कल कर लेंगे, कल नहीं करना है परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे इनका जो समय है वो बीत जाता है। और समय चूक पुनि का पछतानी, का बरसहि जब कृषि सुखानी, यानी साथियों जब फसल सूख जाती है उसके बाद बारिश का क्या करना है। इसलिए समय पर उठाया गया कदम और समय पर बोई गई फसल हमेशा अच्छी पैदावार होती है। तो साथियों, आपको जो है आप दयाशील तो होते ही हैं, मददगार भी होते हैं, आपके अंदर दया भी बहुत होती है, आपके अंदर विचारों का जो विमर्श है, विचार विमर्श है आपके, आपके अंदर जो विचार चलते रहते हैं वो बहुत आगे तक चलते हैं। आप मंजिलें मन में बना लेते हो और वहां तक पहुंचने में आपको टाइम इसीलिए लगता है, मंजिल पर पहुंच भी जाते हो लेकिन टाइम लगता है, जल्दी ही मायूस हो जाते हैं। यदि आपका कोई अपना है, यदि आपका कोई जो है रिलेशन में है, और यदि आप कहीं गलती कर जाते हैं तो डरते भी बहुत जल्दी हैं, लेकिन गलती करने में माहिर भी होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गलती कर भी लेते हैं लेकिन डर भी उतना ही होता है, लेकिन गलती करना छोड़ते भी नहीं। तो आपके अंदर जो है साथियों, जो आपका नेचर है वो बुद्धिमत्ता का होता है। आपके अंदर जो है नए नए ख्यालात चलते हैं, आप दिमाग से काम करना पसंद करते हैं, आप नई नई चीजों की खोजबीन में चलते रहते हैं, नई नई खोजबीन आपके दिमाग में चलती रहती है। आप आगे बढ़ने के साथ साथ में विचार विमर्श भी करते हैं, लेकिन आपको एक हिदायत है कि आप लोग आलस्य न करें, आगे बढ़ते जाएं,
तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं, परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं और आपको जो है कामयाबी की तरफ धकेल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आइए मैं आपको बता दूं आपके 5 सीक्रेट्स क्या हैं, वो 5 गुण क्या हैं जिनसे आप पहचाने जाते हैं। आप लोगों को जो है पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स से आप दूर रहते हैं। बढ़ाई यानी अत्यधिक बढ़ाई, यदि किसी के अत्यधिक हम जो है वो उसका नाम कर रहे हैं, अत्यधिक उसके बारे में बोल रहे हैं, वो भी आपको पसंद नहीं होता है। आप लोग जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुलाजा किसी का नहीं करते हैं, जो आपके अंदर गलती है तो उसको सामने बोल देंगे, मन में कुछ नहीं। इनके दिमाग में जो है क्या है, बहुत कुछ चलता रहता है, ये जो है जो भी सामने वाले के बारे में सोचते हैं उसको बोल देते हैं, इसलिए जो है हर क्षेत्र में इनके शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं इनके इस व्यवहार के कारण। नंबर दूसरा साथियों, आप लोग जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, कलात्मक होते हैं और आपके अंदर जो है खूबी बहुत अच्छी होती है, ये खूबी आपके अंदर जो है कूट कूट कर भरी हुई होती है। आप आलसी तो होते ही हैं, किसी काम को अगर करें तो बहुत अच्छा भी कर देते हैं, वैसे तो आलसी होते हैं लेकिन अगर ठान ले कि मैंने ये काम करना है तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। किसी काम को करने में भले ही आलस्य कर लें लेकिन उसको कर भी डालते हैं। आप लोग जो हैं यानी आलस्य त्याग कर यदि कोई काम करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मंजिल आपके पास होगी। आप लोग जो है यदि आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें तो बहुत नाम कमा सकते हैं। चौथा नंबर साथियों, आप लोग सोचते बहुत कुछ हैं, मन के अंदर बहुत डिजायर्स बना लेते हैं, बहुत डिजायर्स आपके मन के अंदर चलती है, आइडिया आपके मन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं, पर आप लोग जो है डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कारण पीछे रह जाते हैं। अपनी फैमिली और रिलेशन को आप लोग जो है दिल से चाहते हैं और जो है मददगार मदद भी करते हैं और मददगार भी होते हैं। दूसरा साथियों, पांचवा, आपके अंदर अपनी फैमिली के अंदर आप लोग जो है फैमिली को सपोर्ट करने वाले होते हैं और चाहते भी होते हैं, दिल से चाहने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं आपके जो है करियर के बारे में, कौन से फील्ड में आपका करियर बनेगा, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सी फील्ड की तैयारी करनी चाहिए, बता देता हूँ साथियों, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और 2025 में उतर जाएगी, तो शनिदेव आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। आपको जो है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काम आपको बहुत अच्छा चलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, टूर एंड ट्रेवल्स का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोहे से संबंधित काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और दूसरा जो है साथियों मशीनरी से संबंधित काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है और आईटी टेक्निकल से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10th लॉर्ड आपके शुक्र हैं, तो यदि आप जो है फीमेल हैं तो आपके लिए बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फैशन शो से रिलेटिव काम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और यदि आप मेल हैं तो एनिमेशन से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और आपके जो है क्रिएटिविटी का काम और डेकोरेटिव का काम और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित यदि आप तैयारी करते हैं तो आप उसमें भी बहुत अच्छा योग आपका बनता है और साथ में यदि अच्छे से काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होते रहता है। और कोई भी बिजनेस आप करें कुंडली दिखा करके करें, क्योंकि साथियों ये चीजें मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूं, आपकी कुंडली में आपका दशमेश, लग्नेश और भागेश ये मायने रखते हैं कि आपको कौन से दिशा में कौन से फील्ड में जाना है। और दूसरी चीज आपकी हस्तरेखा, तो ये मायने रखती है और यदि आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम और बर्थ कुंडली ना हो तो आप अपने हाथों हथेलियों का फोटो मुझे भेज करके अपने बारे में संपूर्ण प्रोडिक्शन ले सकते हैं। आपका जो है जो रिलेशन है वो किस तरीके से रहता है, आप जो है शनि राशि स्वामी है तो गुस्से के धनी होते हैं, जिद्दीपन आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा होता है, अड़ियलपन आपके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जो ठान लेते हैं मन में, यदि किसी चीज को ठान लिया तो आपको मनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उससे आपके रिलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। वैसे रिलेशनशिप आपका जो है अच्छा चलता है क्योंकि शुक्र शनि के तालमेल से बहुत अच्छा तालमेल आप लोगों का बनता है, आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा मूडी तो होता है लेकिन आपके प्रति जो है दिल से
आपका जो पार्टनर है उसके विचार आपके प्रति बहुत अच्छे होते हैं, और वो आपके प्रति जो है दयाशील भी होता है, गुणशील भी होता है, आपको आगे बढ़ाने वाला नेचर भी उसके अंदर होता है, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो। तो आपका जो है 65% जो है रिलेशनशिप अच्छा चलता है। तो साथियों आपको जो है थोड़ा सा जो मूडी प्रवृत्ति है उसको कम करना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, तो बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। अब साथियों आपको बता देता हूं कि आपका लक कैसे आपका साथ देता है, आपका भाग्योदय कब होता है। साथियों आपका जो भाग्योदय है वो मकर राशि वालों का थोड़ा लेट देखा गया है, क्योंकि आप लोग थोड़ा आलसी होते हैं, तो समय पर काम न करने के कारण भाग्योदय भी थोड़ा लेट से होता है। 30 और 31 साल के बाद आपका जो है जो भाग्योदय वो होता है, और विशेषतर भाग्योदय शादी के बाद होता है। और यदि आप लोग जो है ईश्वर को मानते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और अपनी राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव को मनाते हैं, तो आपका भाग्योदय जल्दी भी होता है, यानी 27, 28 और 29 साल में भी आपका भाग्योदय देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जो हैं वैवाहिक जीवन से संबंधित, आपके आगे बढ़ने से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपका जो है शनिदेव आपकी मदद करते हैं, राशि स्वामी हैं, और शनिदेव को मनाने से आपका भाग्योदय भी होता है। तो साथियों उपाय क्या करना होगा आपको, सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयो रविश्रवन्तु नः, इसकी एक माला का जाप आपको जरूर करना होगा। और इसके साथ साथ में आपको बृहस्पति का पुखराज आपको धारण जरूर करना चाहिए, और यदि शनि का नीलम सुट होता है तो कुंडली दिखा करके नीलम भी जरूर धारण कर सकते हैं। गणेश की उपासना जरूर करें, सूर्य देव को सूर्य अर्घ्य आपको जरूर देना चाहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा फील्ड रहेगा, कौन से फील्ड में आपका भाग्य आपको ले जाएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द। हर हर महादेव।